प्रदेश के आगरा सेंट्रल जेल, ये जेल जेल नहीं बल्कि एक ऐसा ट्रेनिंग संस्थान है जहां इंसान आता तो है कैदी बनकर, लेकिन जब यहां की चार दीवारी से बाहर जाता है तो हुनरमंद बनकर जाता है और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपना परिवार पालने लायक बन जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल, जेल का नाम सुनते ही जहन में मोटे सरियों के दरवाजे और खतरनाक शक्ल के कैदियों का अक्स उभरता है, लेकिन आगरा की सेंट्रल जेल की तस्वीर आपका ख्याल बदल देगी। जहां सजायाफ्ता कैदियों को हुनरमंद बनाने की कोशिश हो रही है, आगरा की सेंट्रल जेल, जिसे जेल नहीं अगर आश्रम कहा जाए तो कम नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ तमाम पाठशालाएं लगती हैं जो कि कैदियों को हुनरमंद बनाती हैं। इन सजायाफ्ता बंदियों के हाथ भले ही कितने ही संगीन अपराधों से सने हों, लेकिन वही हाथ अब हैंडलूम पर कपड़ों का ताना बाना बुन रहे हैं। गंगाराम अब अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर लूम में माहिर हो चुके हैं। भले ही जेल में वो बंद हों, लेकिन उनकी कमाई से उनका परिवार पल रहा है। और पहले मोहरम में कितना अंतर हुआ? पहले 302 के मर्डर में केस में बंद आया, यहाँ से 300 मर्डर हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बंद है, हमारे लगा परिवार, हमारे अधीक्षक है यहाँ पे, उन्होंने हमें काम दिया। यहाँ पे काम देकर के बाद में हमें कुछ यहाँ पे कमाया, कुछ परिस्थिति घर की आई थी, हमारे घर वालों के, उन्होंने सोचा हमें कुछ करें, यहाँ पे हमको काम अधीक्षक से कहा हमें काम मिल जाए तो सही रहेगा। उन्होंने काम दिया, हमें कुछ पैसा कमाया, फिर हमने घर भेजा। हमें बोले उसको गया पढ़ाई के लिए, बच्चे हैं, 3 बच्चे हमारे। इन कैदियों को न सिर्फ हैंडलूम की ट्रेनिंग दी जा रही है बल्कि कारपेंटरी और दूसरे काम भी सिखाए जा रहे हैं, ताकि जब यहाँ की चार दीवारी से बाहर निकलें तो जुर्म की चार दीवारी से भी आजाद हो सकें। ये सबसे पहली बात यह है कि ओडी ओपी में शुरू करने से ये जेल के लिए बहुत अच्छी बात है। जो केंद्रीय कारागार आगरा को ओडी ओपी में ले लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये पहली बात जूता का काम में 50 बंदी सीखेंगे। यूपी की योगी सरकार अब आगरा की इसी सेंट्रल जेल को ODOP योजना से जोड़ने जा रही है, ताकि इसमें बंदियों को लेदर शूज बनाने की ट्रेनिंग देकर उन्हें नए रोजगार से रूबरू कराया जा सके, जिसके लिए सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा ने मिलकर ये योजना बनाई है। बंदियों को काम मिलेगा, काम मिलने के पश्चात वो बंदी यहाँ पर अपनी पारिश्रमिक अर्जित कर पाएंगे, और अर्जित करने के पश्चात अब ये सबसे बड़ी बात ये होगी कि जेल में निरुद्धि के दौरान सजा भी काट रहे हैं और सजा के साथ साथ हुनरमंद बनते हुए इस इंडस्ट्रीज में काम करके अपने लिए पैसा भी करते हैं, ताकि उनके परिवार का भी भरण पोषण हो सके। कैद में इतना जमाना हो गया, अब कफस भी आशियाना हो गया। सच में ये जेल इन कैदियों के लिए किसी आशियाने से कम नहीं। जहाँ परिवार वाले भले ही न हो, लेकिन परिवार को पालने का हुनर तो इनके अंदर पल रहा है। कहीं ना कहीं अगर आगरा की सेंट्रल जेल की बात की जाए तो आगरा की ये सेंट्रल जेल आज एक ऐसी पाठशाला, एक ऐसा आश्रम बन चुका है जो कि कहीं से भी आपको जेल नजर नहीं आता। जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। 9 अगस्त के क्रांति दिवस पर समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में घर